जो प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत के अभियान को चलाकर पब्लिक के हाथ में झाड़ू थमाई, लेकिन सफाई कहीं भी नहीं है। तो मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि राशन हमारा चेंज हुआ ही क्यों? यहाँ नशे का बहुत ज्यादा माहौल है। तो 21 प्रत्याशियों के अंदर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट हमारी किसी भी पार्टी ने नहीं उतारा, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा इशू है इस कॉलोनी का कि यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। पानी आता भी है लेकिन बहुत गंदा आता है। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ क्लिक में। आज हम लोग जो है दिल्ली इलेक्शन पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। हम आए हैं सीमापुरी और झिलमिल जैसे इलाकों में जो कि रीसेटलमेंट और अनऑथराइज कॉलोनीज के इलाके हैं। यहाँ पर 50 लाख तक के लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं। लार्जली जो ये लोग हैं वो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ऐसे लोगों से हम आज मिलने आए हैं, चर्चा कर रहे हैं हम उनसे हेल्थ के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनके लिए इलेक्शन के मुद्दे दरअसल हैं क्या और क्या काम हुआ है उन लोगों के राइट्स के लिए और उन लोगों की ज़रूरतों के लिए। आज हम इन सभी लोगों से मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे। दोनों सरकारें सफाई के मामले में फेल हैं, ये तो हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरी बात, जब से हमारी सीमापुरी बसी है, ये पहली बार हुआ है कि सीमापुरी की जनता पानी खरीद के पी रही है। तो यहाँ पर ये सरकार फेल हो गई पानी के मामले। अब रहा सफाई का मसला, सफाई में इन दोनों की जुगलबंदी रहती है। वो एमसीडी में बीजेपी बैठी है, दिल्ली सरकार में केजरी सरकार है। वो कहते हैं इन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, दो दो डेढ़ डेढ़ महीने की हड़तालें हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कूड़े के ढेर लग जाते हैं। अभी बीच में ऐसा हुआ कि कीड़े चलने लगे, लोग बीमार होने लगे, लेकिन दोनों सरकारों पे कोई जू नहीं रहेंगी। केजरीवाल कहते हैं मुझे काम नहीं करने दिया जाता, वो कहते हैं ये काम नहीं करना चाहते। तो इन दोनों की जुगलबंदी में जो पब्लिक है उसका नुकसान हो रहा है। एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए वो ये कि अनऑथराइज जो कॉलोनीज़ हैं और रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ की अगर हम संख्या देखें तो इनमें कम से कम 50 लाख से ऊपर की दिल्ली की आबादी इन गलियों में बसती है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सारे वोट कटे हुए हैं, सारे बच्चों के, खाली एक बहू का वोट आया मेरी का, खाली बहू का आया, नसरीन आया खाली, और इब्राहिम, आमिन खान, यूनुस खान, सलमान खान, असलम मोहम्मद, जुमेदा, सबके वोट कटे मेरे। और कितनी क्यों कटे मेरे, जब मेरी इतनी उम्र आ गई, वोट गिरते गिरते मेरे किस लिए कटे? किसी की साजिश से कटे हैं कि अपने आप कटे हैं, क्यों कटे हैं? राशन कार्ड को 5 साल हो गए, मेरा राशन कार्ड कैंसिल कर दिया, वो नहीं बना मेरा, हर जगह भागी में, खाली वोटों के टाइम पे आते हैं वही कहते हैं हम ये करवा देंगे, अम्मा जी ये करवा देंगे, क्या करवा रहे हैं बोलो तो सही। तो आज हम हैं सीमापुरी में, बहुत से अन्य मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें से महिलाओं के लिए खास करके जो मुद्दे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं वो है राशन का मुद्दा और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। और हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं वोटर डिलीशन पर, जिस तरह से लोगों के नाम राशन लिस्ट से हटाए गए हैं, वोटर्स लिस्ट से हटाए गए हैं, उससे जो लोग रीसेटल्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कितना ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं साजिदा दीदी, पहले ये बताइए कि किस तरह से जो वोटर के लोगों के नाम हटा दिए हैं, कितने परिवारों में आप लोग हमें बता रहे थे जी, कि उसके बारे में बताइए। बस यही है कि जिसके घर में अगर वोट 5 हैं तो उसके एक ही कर दिया, 4 हटा दिए, किसी के 3 हटा दिए, किसी के 2 हटा दिए। अब इस तरह हम पब्लिक हमसे शिकायत करती है कि देखो दीदी ऐसे हो रहा है, अगर हम उसको लेके भी जा रहे हैं तो उसमें हमें परेशानियां उठाना पड़ रही हैं। वो कहते हैं फॉर्म भरो, फिर आप अपना पहचान पत्र बनवाओ, फिर आप वोटर लिस्ट चेक करो, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, एक अप्लीकेशन लिखो। तो इसमें बिन बात में ये सरकार परेशान कर रही है ना पब्लिक को। जहाँ से बचपन से आ रहा, आज हम इतने बड़े हो गए, शादी ब्याह भी हो गया, एक ही दुकान हमारी चलती चली आ रही है सुलेमान की, तो वहीं से हमारा राशन क्यों हटा दिया गया? नहीं हटाना चाहिए था। जो ये स्थिति बता रहे हैं वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम हटा करके नॉर्मल राशन को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रिस्टोरेशन करने की कोशिश की, पर उसके चक्कर में हुआ क्या है कि जो लोग एक ब्लॉक में रह रहे हैं उन्हें दूर दराज इलाकों में जाना पड़ रहा है, अपना राशन जो है ढो करके लाना पड़ रहा है। 10-10 किलो 25 किलो महिलाओं को सफ़र कर करके बहुत ही दूर दूर इलाकों में जा करके राशन लाने की कोशिश करनी पड़ रही है। जो राशन 35 किलो एक परिवार को मिलना चाहिए था उसमें भी राशन
राशन की जो लिस्ट है उसमें भी काफ़ी नाम जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। इसके चलते हुए एक परिवार का जो राशन जितनी क्वांटिटी उन्हें मिलनी चाहिए थी वो एक ड्रास्टिक रूप से कम होती चली जा रही है। अभी शाम होते ही अभी आप इधर को देखना कि यहाँ पर शराब के दो दो ठेके खोल दिए गए, जबकि यहाँ कोई ठेका नहीं था शराब का। दिलशाद गार्डन में था, वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर संघर्ष करके उस ठेके को हटवा के जो यहाँ के विधायक थे वीर सिंह दिगान, उन्होंने यहाँ सीमापुरी के अंदर शिफ्ट कराया जो कि मेन मार्केट थी, और एक नहीं दो ठेके, चार हो गए। अभी आप देखना यहाँ पर रोड के ऊपर ही लोग शराब पीते हुए आपको मिलेंगे। जहाँ की अगर हम इलेक्शन कैंडिडेट्स की बात करें तो ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसी कंस्टिट्यूएंसीज जहाँ पे रिहैबिलिटेशन वाली कॉलोनीज और अनऑर्गेनाइज्ड अनऑथराइज कॉलोनीज जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट संवेदनशील कंस्टिट्यूएंसीज प्रूव होंगी। यहाँ पर की स्टार कैंपेनर्स जैसे कि अतिशी, आपसे अतिशी, गौतम गंभीर भी बीजेपी ने उतार दिया है चुनावी इस माहौल में। तो यहाँ पर के लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने उनसे बातें की हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ की जनता जो है वोट करेगी पार्लियामेंट के लिए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने इन गलियों की तरफ मुड़कर एक भी बार नहीं देखा। देखिए जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कैंडिडेट का, तो यहाँ से अभी तक जो सांसद थे वो महेश गिरी जी थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनको मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी लोगों ने उनकी सूरत देखी होगी इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर। अभी शायद सांसद जो चुनाव के अंदर बदल दिए हैं प्रत्याशी, जिसमें गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यहाँ चुनाव में फाइट करने के लिए आ रहे हैं, और गौतम गंभीर का तो कोई इधर कार्य भी नहीं है, कोई कभी देखा नहीं गौतम गंभीर को लोगों ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। दूसरा आप पार्टी के उम्मीदवार हैं आतिशी जी, क्योंकि लगातार कम से कम वो इलाके में आती रही हैं। हैं हमारी पुरानी सीमापुरी के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ की शिक्षा के लेकर है। शिक्षा के एतबार से जितनी समस्या हमारे यहाँ पर नौजवानों के और जो हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए है वो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के एतबार से है। जो हमारे बराबर से शहीद नगर लगता है, वहाँ के जितने बच्चे हैं हमारे सीमापुरी में टच हैं, वहाँ शहीद नगर से जितने लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उस माध्यम से हमारे सीमापुरी के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर काश एक शहीद नगर के अंदर भी 12वीं तक स्कूल खुला जाए तो हो सकता है कि हमारी दिल्ली के बच्चों को, हमारे सीमापुरी के बच्चों का भविष्य ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा उनको कामयाबी हासिल होगी।